हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर माइनक्राफ्ट का सिलसिला। फिर से आ चुका है अपन माइनक्राफ्ट का सिलसिला लेके। एंड गाइस, यहाँ पे अपन बनाने वाले हैं सबसे पहले एक कोबाल्ट स्टोन ऑटो जनरेटर, जहाँ पे कोबाल्ट स्टोन ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहेगा। अपन बूम बम करते जस्ट तोड़ते ही रहेंगे। लेट्स गो गाइस। सबसे पहले गाइस अपन एक बॉक्स लगाएंगे एंड इसके जस्ट पीछे जाके क्राउच होके अपन, मतलब डबल टैप करके क्राउच होके अपन 3 हॉपर लगाएंगे। एंड आई होप इतना काफ़ी है अभी के लिए फिलहाल। एंड ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहेगा एंड इतना काफ़ी है। एंड अपना हॉपर देख सकते हो सही पे लगा हो चुका है, क्योंकि इसका मुंडी उधर घुमा के है। ऐसे भी अपन कुछ डाल के देखते हैं एक्चुअली अपना बॉक्स में जाता है क्या। यस गाइस, अपना एकदम हॉपर परफेक्टली मतलब प्लेस हो चुका है एंड यहाँ पर आ चुका है। तो दैट्स इट यार, बूम बम करके अब लगाते हैं। तो यार गाइस, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो एक इसको घुमा के एक लेयर का कोबाल्ट स्टोन लगाएंगे। कोई भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, बट कोबाल्ट स्टोन इजी बीसी मिल रहा था माइनिंग करे तो उसको यूज़ करेंगे। कोबाल्ट स्टोन पाम बन रहे हैं तो कोबाल्ट स्टोन ही ठीक है। तो सेम टू सेम इधर भी लगा देते हैं। अरे ये ज़्यादा लगा दिया, बट कोई दिक्कत नहीं, इसको तोड़ना पड़ेगा। एंड हो चुका है, घुमा के लगा दिया। अभी सबसे पहले जो एक्स्ट्रा लगा था उसको तोड़ देते हैं। बहुत ही सिंपल है ये बनाना। एंड गाइस, ये एकदम 100% सबसे पहले गाइस जो हॉपर है ना, हॉपर के ऊपर अपन 2 लाइन कर देते हैं। लेट्स गो, ये और एक जस्ट हॉपर के ऊपर 2 कर देंगे और इतना ही हाइट होगा अपना। एंड ये एकदम 100% गाइस मस्त तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसे जनरेटर मतलब ऑटो जनरेट होने का टाइम बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि कुछ देर बाद लावा आ जाता है मिडल पे और फिर फुल जो अपना मैकेनिज्म था फुल बेकार हो जाता है। तो इसलिए गाइस मैं ऐसा कर रहा हूँ, अभी गाइस यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे 2 लगा दिया ना, तो अभी यहाँ पे और ये कोई दिक्कत नहीं देगा। अभी यहाँ पे ओके, इतना करके एक लेयर बनाना है ठीक है बाहर, और ये रखना है यहाँ पे। अपन का पानी आएगा जब इधर डालेंगे तो ठीक है, पानी लावा डालना है ना। एंड ठीक है गाइस, डालेंगे 3 ओके। अभी इधर लगाएंगे और इसके नीचे तो अपना ओपन नहीं था। हाँ गाइस, इस साइड आप उनको वो कनेक्ट करना है। लेट्स गो ओके। हाँ गाइस, ऐसे करके लगाएंगे इस साइड भी। सो लेट्स गो, लगा देते बूम बूम करते हुए और एक लेयर इधर बाहर करके ओके। क्योंकि अपन पानी डालेंगे तो इसमें आके जनरेट होगा ठीक है। एंड ये हो गया गाइस बूम बम करते हुए। अभी क्या करेंगे, जस्ट इस साइड में और एक लगा देंगे एंड बाकी पीछे के साइड अपन ग्लास लगा देंगे, तो देखने में मतलब बहुत ही खतरनाक लगेगा बाहर से। दैट्स इट, इतना ही अपना छोटे से एकदम इजी पीजी फार्म बोलते हैं, ऑटो जनरेट होगा यहाँ पे। कोबाल्ट स्टोन कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे एकदम एक ही प्लेस में रहेगा। अपन बहुत सारा कोबाल्ट स्टोन फार्म कर सकते हैं। जब अपन को एंशिएंट वाला पिकेक्स होगा अपन ज़्यादा कर पाएंगे, बट फिलहाल अपन जो नॉर्मल पिकेक्स है उससे भी बहुत ही करेंगे। तो नेक्स्ट गैस सेम यहाँ पे और यहाँ पे एक एक लगा दिया। तो गैस फिलहाल ये आई की तरह हो गया। एक सेकंड, तो अभी क्या करेंगे इस साइड गैस अपन यहाँ पे लगाएंगे अपन का ग्लास, तो देखने में मस्त होगा क्योंकि अपन यहाँ पे पानी डालेंगे ठीक है गैस। इसलिए जस्ट इतना ही, और एक साइड में अपन लावा डालेंगे और इस साइड में अपन लावा डालेंगे, एक कोई भी एक साइड में डालेंगे तो चलेगा। ये होता है अपना सिंपल ऑटो कोबाल्ट जनरेटर। एंड और एक लगाएगा ओके, हो गया। अभी गाइस अब कोई सिंग बोट लगाएंगे, वो कोई सा भी हो तो, क्योंकि अपन यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं फिलहाल शुभ्रो लिखेंगे, क्योंकि गाइस जब अपन पानी और लावा डालेंगे तो इस सिंग बोट के वजह से यहाँ से नहीं निकल पाएगा क्योंकि अपन इसको तोड़ेंगे। तो गाइस अभी यहाँ पे जो ब्लॉक तोड़ दिया था उसको लगा देते हैं। एक सेकेंड, तो इतना ही है गाइस, एकदम इजी पीजी, और ये एकदम कोई दिक्कत नहीं करेगा, जब तक चाहे तब तक फार्म कर सकते हैं, दिक्कत ही नहीं करेगी। यहाँ पे अपन ग्लास लगाएंगे मतलब कूल देखने के लिए। अब बहुत सारा है कि बनाने के बाद फिर कुछ टाइम सही चलता है। अभी पानी डालेंगे 3 बकेट इधर, 3 बकेट एनाफ है ओके एनाफ। और इस साइड 1 बकेट लावा डालते तो मिडल पे डालना था, अभी मेरे 3 बकेट ही डालूँगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा गाइस आराम से। बहुत सारा ऐसे होता है कि कभी कभी दूसरा मतलब एक बैकेट से क्या होता है, लावा मिडल पे जाके बीच में अटक जाता है, फिर यार क्या बोलो जनरेटर ख़राब हो जाता है। ऑटो जनरेट तो होता है बट कभी कभी गलती है, बट ये जो बना रहा ना मैं वहाँ पे एक भी चांस मतलब 0.01% चांस है कि कोई दिक्कत आए। मैं जितना भी फार्म बनाऊँगा एकदम जो 100% कोई दिक्कत ना वाला बनाऊँगा। तो लेट्स गो गाइस, अभी
यहाँ पे भी अपन ग्लास से जस्ट कवर कर देंगे, कोई दिक्कत। अपना फार्म तो रेडी हो चुका है गाइस, अपना वाटर और जब लावा डाल दिया तो अभी हो चुका है। अब जस्ट यार ऊपर कुछ लगा देते डिजाइन विजाइन, और कुछ नहीं, कोई गलती से गिर जाए तो मैं खुद भी गिर जा सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा सा इधर उधर ज़्यादा हिलता रहता हूँ कोई इसलिए। तो ये रहा गाइस, देखने में बहुत ही मस्त लग रहा है। ओके अभी इधर लगाते हैं, नहीं नहीं इधर नहीं लगाएंगे, ऐसे छोड़ देंगे, देखने में कुछ कूल लगेगा। और ये जो 3 एक्स्ट्रा मतलब लगा दिया इन लोगों के लिए अच्छा नहीं लग रहा, तोड़ देते हैं, जस्ट कवर कर दिया, कुछ नहीं, एकदम इजी पीजी गाइस, बहुत ही सिंपल था ये फार्म बनाना। ऑटो जनरेट होगा अभी अभी गाइस, अपना आराम से माइनिंग करते रह सकते हैं अनलिमिटेड, जब तक ना उनको मतलब अब मैं थक जाऊँ तब तक। इतनी खुशी। तो बूम बम करते हुए गाइस, पहले मैं कुछ स्टील लगा रहा हूँ जस्ट थोड़ा सा हल्का डिजाइन के लिए, कि अच्छा थंबनेल आ जाए, दैट सेट कुछ नहीं, अच्छे थंबनेल के लिए गाइस कुछ स्टील लगा देता हूँ। और भी बहुत सारा डिजाइन कर सकते हैं, फिलहाल इतना कॉफ़ी एंड काफ़ी। अभी गाइस फटाफट से थोड़ा सा फार्म करेंगे, तो देखने में गाइस कूल ही लग रहा है। अरे भाई मत जलाओ भाई साहब, मत जलाओ भाई, कोई नहीं अपन मरेंगे नहीं, एक ही तो लगा ना, कुछ दिक्कत नहीं। अभी लेट्स गो गाइस, बूम बम करते तोड़ते थोड़ा सा फार्म करते हैं। अभी क्या गाइस, जस्ट अपन यहाँ पे रहेंगे और तोड़ते रहेंगे और यहाँ पे पानी और लावा मिलके जनरेट होता रहेगा, मज़ा आ जाएगा। तोड़ते रहो गाइस, अभी यार जब तक ना अपना पिकैक्स टूटे तब तक तोड़ते रहो और जनरेट होता रहेगा, दैट्स इट। ओपी एकदम ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा गाइस, आप उनको कुछ नहीं करना, जस्ट एक ही प्लेस में रह के तोड़ना है, दैट्स इट। TFK के लिए गाइस TNT चाहिए, और उसके लिए भाई बहुत सारा रिचोर्स चाहिए, बहुत सारा चीज़ वो कभी और बनाएंगे, AFK वाला ठीक है। अभी फिलहाल ये आप उनका खतरनाक वाला ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा कोवल स्टोन, और आप जास्ट रह के कुछ नहीं, डबल टप फ्लास्क को आन के डबल टप करके पकड़ के थोड़ा सा सो भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिकली करता रहेगा क्योंकि मैं ऐसे करता रहा, डबल टप करके कुछ और करता रहता हूँ, जस्ट ये तोड़ता रहता जब चाहिए होता है। तो लैड्स को बूम बम करते बहुत सारा फार्म कर लेते हैं, डबल टप करके मैं कुछ मूवी देख लेता हूँ जो करो ठीक है, ऐसा सीरियसली फटाफट से गाइस बहुत सारा तोड़ लेते हैं, बहुत स्पीड में जनरेटर है ना, कुछ अच्छा खासा गाइस पीकेक्स हो जाए ना मजा आएगा। तो गाइस बहुत सारा फार्म करता हूँ मैं। Two very boring minutes later, lot of boring math later. So फिलहाल गाइस बहुत सारा तुम लोग देख सकते हो, मेरा पीकेक्स दो है, दोनों टूटने वाला है, और मैंने कितने सारे कोबाल्ट स्टोन फार्म कर लिया, देख ही सकते हो बहुत सारा, तो एकदम इजी पीजी यार, मजा आ जाता है, स्वाद आ जाता है, एंड देख सकते हो एकदम इजी पीजी अपन का फार्मिंग, खतरनाक वाला ऑटो जनरेटर। हम लोगों को कहीं पे जाना भी नहीं है, जस्ट यहाँ पे रुक के एकदम आराम से जितने मतलब, अब ये तो डिपेंड करता है मेरे ऊपर मैं कितने टाइम तक फार्मिंग करूँ, दैट्स इट, मज़ा आ गया गाइस। ये था अपना छोटे से ऑटोमेटिक वाला कोबाल्ट स्टोन जनरेटर वाला एकदम खतरनाक तरीके से एक फार्म, जहाँ से अपन इजी पीजी बहुत सारा कोबाल्ट स्टोन फार्म कर सकते हैं। आई होप तुम लोगों को इस आज का सिलसिला पसंद आया, एंड अपना छोटे से हल्का सा नुन्ने से मुन्ने से फार्म कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना, और भी कोई अच्छा अच्छा फार्म हो तो कोबाल्ट स्टोन का जरूर से कमेंट सेक्शन में शेयर करना, मैं ट्राई करूंगा उसको भी बनाने का, एकदम डिटेल्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, एक कमेंट सेक्शन डिस्कॉर्ड है कहीं पे भी आके लिख दो। लव यू ऑल, बाय, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो।